हेलो स्टूडेंट्स, अब हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं। रिवीजन हम सैम्पल पेपर से करेंगे। इस वक्त मेरे पास जो सैम्पल पेपर है वो बेसिक है। चलिए हम सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन टू है, थ्री क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड। फाइंड द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड सो फॉर्म्ड। क्वेश्चन में हमें क्यूब गिवन है और क्यूब एक ऐसा फिगर होता है जिसकी साइड्स इक्वल होती हैं, सारी साइड सेम होती हैं। अगर आप इसको ए बोलेंगे तो ये वाली साइड भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए, सारी साइड्स ए होंगी। ओके, और हमें इस क्यूब का वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब। ओके, इस 64 सेंटीमीटर क्यूब। हम टोटल सरफेस एरिया बाद में फाइंड आउट करेंगे, पहले हम साइड तो फाइंड आउट कर लें। जब साइड फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें आराम से टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने में आसानी हो जाएगी। ओके, नाउ वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब इज ए क्यूब इक्वल्स टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो ये क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला है। ओके, नाउ ए इक्वल्स टू, ये क्यूब है, यहाँ पर मैं 64 पर क्यूब रूट लगा दूंगी। ओके, क्योंकि क्यूब यहाँ से जैसे ही हटाऊंगी दूसरे साइड क्या आ जाएगा, क्यूब रूट लग जाएगा। ओके, नाउ आप चाहो तो सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हो अंदर। नाउ ए इक्वल्स टू थ्री क्यूब, 64 के फैक्टर्स करोगे तो 4 4 जो 16, हाँ 4 × 4 × 4। ओके, और सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर भी 3 टाइम्स ही आएगा। नाउ ए, यहाँ पे 3 है तो यानी कि आप 3 3 का पेयर बनाएंगे, तो 4 का पेयर बन गया तो एक 4 बाहर आ गया। ये सेंटीमीटर 3 टाइम्स है यानी कि 1 सेंटीमीटर बाहर आ गया, तो मुझे इस क्यूब की एक साइड तो मिल गई। ओके, लेकिन लेकिन हमें साइड तो मिल गई है, लेकिन ऐसे 3 क्यूब्स हैं और वो मिलकर क्यूबॉइड बनाएंगे और जिससे हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं 3 क्यूब्स बनाती हूँ और उनको आपस में ज्वाइन करूँगी। ठीक है, तो फर्स्ट क्यूब ये है, अब सेकंड क्यूब, और ये 3 क्यूब्स मैंने आपस में ज्वाइन कर लिए। अब देखो, अगर ये ए है, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। ओके, और ये है ए, तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। ओके, तो यानी कि ब्रेथ तो ए ही रहेगा। ओके, और हाइट, ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए, हाइट सेम होगी ए। अच्छा, अब एक चीज़ देखो, लेंथ में थोड़ा सा फ़र्क आया है। क्यों? क्योंकि जब मैंने 3 क्यूब्स आपस में ज्वाइन किए हैं तो देखो, ये ए है तो ए प्लस ए प्लस ए, लेंथ कितनी होगी, 3a। ओके, नाउ लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, क्योंकि अब ये फिगर क्यूब नहीं है, ये तीनों क्यूब्स मिलकर क्यूबॉइड बन गए हैं। लेंथ ऑफ क्यूब जिसको मैं l से डिनोट करूंगी वो कितना हो गया, 3a। ओके, a प्लस ए प्लस ए। ओके, नाउ ब्रेथ, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड जिसको मैं बी से रिप्रेजेंट करूंगी वो ए ही है। और हाइट, अब क्या रह गया, हाइट, हाइट ऑफ क्यूबॉइड जिसको मैं एच से रिप्रेजेंट करूंगी वो भी ए है। क्लियर? और ए मैंने यहाँ पे कितना फाइंड आउट किया, 4। अब यहाँ देखो ध्यान से, 3a यानी कि 3 की मल्टीप्लाई 4 से, क्योंकि a की वैल्यू कितनी है, 4, साइड कितना आया था क्यूब का, 4, तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। और a बाकी सबकी जो आया है, ब्रेथ भी 4 सेंटीमीटर और हाइट भी 4 सेंटीमीटर। यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा। ओके, ना अब मुझे इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया हम सॉल्व करेंगे। ओके, ना टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ओके, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 LB + BH + HL। ओके, नाउ 2 L, L कितना है, लेंथ 12 मल्टीप्लाई ब्रेथ, ब्रेथ कितना है, 4 प्लस ब्रेथ एंड हाइट, ब्रेथ 4 है, हाइट भी 4 है, तो 4 × 4 प्लस हाइट 4 है मल्टीप्लाई और लेंथ 12। ओके, नाउ ये एरिया है
तो इसलिए जो इसका ये यूनिट है वो सेंटीमीटर है, और एरिया सॉल्व कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे स्क्वायर लगेगा। इस चीज़ का आप ज़रा ध्यान रखें क्योंकि इससे भी मार्क्स कट होते हैं। ओके चलिए ना, 12 4 48 प्लस 4 4 16 प्लस 12 4 48। ओके नाउ सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई, इनको ऐड कर दीजिए तो 2 2 4 2 1 2 2 1 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके ये हमारा आंसर आ गया है, और हमने इस तरह से टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड फाइंड आउट कर लिया है। ओके